नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। लोकसभा चुनाव के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो दिन से प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। मोदी ने कांग्रेस पर पोलराइजेशन के आरोप लगाए और घुसपैठियों का सपोर्ट करने वाले लोगों पर भी कटाक्ष किया। इसी बयान को विरोधी दलों ने मुद्दा भी बना लिया और चुनाव का पैटर्न विकास सरकार की योजनाओं से शिफ्ट होकर धर्म पर आ गया है। सवाल है कि पहले चरण के चुनाव के बाद और दूसरे चरण से पहले क्या इस तरह के बयान किसी रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं, या फिर चुनाव में नेताओं की लाइन लेंथ बदलना आम बात हो चुकी है। क्या वाकई ध्रुवीकरण के नाम पर आगे का चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर एक बार फिर से ग्राउंड पर विकास की बातें वोटर्स को मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचेंगे। इसी समीकरण को समझने के लिए हमारे संवाददाता श्रीनिवास बिहार के अररिया में थे। जनता का मूड कैसा था, वोट किस पर पड़ेगा, जाति के नाम पर या फिर व्यक्ति के नाम पर, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये समझने की उन्होंने कोशिश की है, आपको भी दिखाते हैं। क्या पहले चरण की वोटिंग के बाद नेताओं की लाइन बदल गई? पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रवाद बैकसीट पर चले गए? मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। क्या अब मंदिर, मुसलमान, घुसपैठियों पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ऐसा क्या हो गया कि नेताओं को अब कसम खानी पड़ रही है, माँ के दूध की याद दिलानी पड़ रही है? बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने माँ का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। क्या पहले चरण की कम वोटिंग बड़े बड़े मुद्दों का मीटर डाउन कर दिया? बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। एक तरफ कांग्रेस थी, राम जन्म भूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। सियासत की शतरंज अब पुरानी बात हो गई। पॉलिटिकल मार्केट में अब कठपुतली डांस का शोर है, एक ऐसी कला जिसमें एक शख्स उंगलियां घुमाता है, कठपुतली नचाता है और जनता ताली बजाती है। आप सोच रहे होंगे कि चुनावी शोरगुल के बीच कठपुतली की बात क्यों, तो इसका जवाब भी बयानों के भव सागर में छिपा है। कांग्रेस पर मोदी का यह बयान चर्चा के केंद्र में है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। चुनाव, प्रधानमंत्री की बात का असर कितना हुआ वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बयान ने सवालों का नया पिटारा खोल दिया। क्या आप कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे? क्या ध्रुवीकरण की सियासत से बीजेपी को बहुमत हासिल करने में फायदा होगा? तो क्या चुनाव अब हिंदू मुसलमान पर ही लड़ा जाएगा?
जो मतदान करेंगे जो है हमारी जिनकी चाहत है वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कुछ अंधभक्ति जो होती है ना, मतलब होते हैं पोस्ट पेड एक प्रीपेड होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ तो लोग जो है जातिवाद हिंदूवाद मुस्लिमवाद में लगे हुए हैं। यहाँ पे जातियों में कुंभों में अगड़ा पिछड़ा इसके नाम पे यहाँ वोट होता है। 4 जून को पता चलेगा जाति मजहब का बंधन टूट गया। तेजस्वी के पापा जब थे तो क्या कर दिए ये बताइए, इतने साल जो उनके पास सत्ता थी तो उन्होंने क्या किया? काम किए है। क्या काम किया, 17 महीना तो सरकार ही रहा। सर 17 महीना में तो देखिए रोजगार दिए है। ईद में घर आए थे, रमजान में इतना खर्चा आया कि कर्ज 10,000 ऊपर से और चढ़ा लिए हैं। यहाँ तो है नहीं रोजगार की, चल भैया बिहारे में है। टोकरी की बाहर नहीं है, बरसात है। आपने क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि देश को अब मोदी जी की गारंटी पर भरोसा नहीं रह गया। अचानक बयानों का ग्राफ ऊपर क्यों बढ़ गया? क्या वजह है कि चुनाव एक अलग सी दिशा में मुड़ता दिख रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या जनता इन बातों से मुतमईन है? यही पता लगाने के लिए, वोटर्स की नब्ज टटोलने के लिए हमारे संवाददाता श्रीनिवास बिहार के अररिया पहुंचे। सीमांचल का वो इलाका जहां तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पण नहीं मिलता। जी हाँ, सियासत में कुछ ऐसा ही तो होता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के अररिया लोकसभा क्षेत्र में। जी हाँ, वही अररिया जहाँ से कभी राजद के तस्लीमुद्दीन का नाम जीत की गारंटी होती थी। वक्त बदला, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई। तस्लीमुद्दीन इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक बार फिर से चुनाव हमारे सामने है और इस सीट से तस्लीमुद्दीन के पुत्र शाहनवाज चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार अररिया में चलेगी मोदी की गारंटी या एक बार फिर से तस्लीमुद्दीन के पुत्र शाहनवाज अपने विरासत पे कब्जा करने में कामयाब होंगे। अररिया का महत्व समझना है तो जरा 58 साल पीछे चले। एक फिल्म आई थी तीसरी कसम, राज कपूर और वहीदा रहमान ने एक्टिंग की थी। मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। जानते हैं तब ये पूरी की पूरी फिल्म इसी जिले में शूट हुई थी। लेकिन अब इस इलाके की पहचान बदल गई। अब तो चुनाव है, इसीलिए नेताओं का जोर है और मुद्दों का शोर। बताइए बाबा, चुनाव आ गया है, किस पार्टी से आप हैं? हम किसी पार्टी से नहीं है। माहौल क्या है? माहौल कुछ है, हम तो बहुत वोट देंगे जो हम प्रदीप को, भारतीय जनता पार्टी हम उसी को देंगे, दुनिया किसी को देंगे। कहते हैं मुसलमान लोग तो बीजेपी को वोट नहीं देते। नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो अपना दिल का बात है। कभी भी जो है कि हमको उससे कोई राहत नहीं मिला। आज का ये माहौल है और जो लोगों में शोर हंगामा जो है वो ये है कि हम जो मतदान करेंगे जो है हमारी जिनकी चाहत है वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या बात कर रहे हैं जी, तबीयत तो नहीं खराब है? तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है, उनका एहसान है। नरेंद्र मोदी का जलवा है, त्याग साहब के पास भी जलवा। हाँ सर, पूरा जलवा है। अरे यार, कुछ खा पी तो नहीं लिए तुम लोग? क्या खाएंगे सर, आरजेडी टिकट बेच रहा है तो क्या नहीं खाएंगे? कहाँ टिकट बेच रहा है, पहले तस्लीमुद्दीन साहब आए थे बेटे? ना, वो सब बेच रहा है, सब मुसलमान को सिर्फ यूज किया। तो ग्राउंड का पहला सर्वे आया, मोदी मुसलमान और मतदान में खुलकर केंद्र सरकार की नीतियों की बात हुई, सांसद के काम की तारीफ हुई। लेकिन क्या ये अररिया के सभी वोटरों के मन की बात है? मन में मोदी का काम और योजनाओं का नाम बसता है? पहले सीमांचल के अररिया का समीकरण देख लीजिए। अररिया का कास्ट फैक्टर थोड़ा जटिल है। यहाँ 45% मुसलमान और 54% हिंदू, 54% में से भी 14% अनुसूचित जाति से है। अगर सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो फिर मुस्लिम कैंडिडेट तभी जीत सकता है जब उसे हिंदू कम्युनिटी के भी कुछ वोट पड़े। आज हालात जो है यहाँ, लोग यहाँ से अधिक पलायन क्यों हो रहा है, उस पर बहस होनी चाहिए। सीमांचल से पलायन बहुत है जी, क्यों हो रहा है? आज यहाँ से उठा करके आप पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब हरियाणा के लोग यहाँ कमाने क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? पलायन मुद्दा होगा? पलायन बिल्कुल बोलना होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा। मैं आपको बताऊँ क्या मुद्दा होगा, हिंदू मुद्दा होगा, मुसलमान मुद्दा होगा। सुनिए,
पंडित मुद्दा होगा, यादव मुद्दा होगा, राजपूत मुद्दा होगा, भूमिहार मुद्दा होगा, फा बेकार वाले मुद्दे। नहीं तो सबसे बड़ी चीज है उस मुद्दे को लेकर चलते रहिए आप, यही चलते तो जो आने वाला समय है भाई साहब याद रखिएगा कि वो फिर चीन और जो रूस है वो व्यवस्था हो जाएगी, संविधान खतरे में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, ये तानाशाही है, सारा बकवास है। हकीकत यही है अभी देश का स्थिति कि बहुत सुचारू रूप से चल रहा है मोदी जी के हाथ में। कैसे चल रहा है? भ्रष्टाचारी जो है उनको जेल में डाला जा रहा है, जो कानून का उल्लंघन किया है उनको जेल में डाला जा रहा है, और जो सही रास्ते पर है। अजीत पवार का नाम सुने हैं जी? कौन है अजीत पवार? जो है वो कृषि मंत्री था पहले, वो महाराष्ट्र का। हमने सुना था एक दिन मोदी जी गए थे महाराष्ट्र में और बोले कि 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पिसिंग, और वो पता था हल्के से बीजेपी में घुसिंग क्लीन। ठीक है, बीजेपी में वो घुसे हैं लेकिन उसका केस क्लोज नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार का जो आरोप था वो चल ही रहा है। वोटरों की आवाज से ये लगने लगा था कि अररिया चुनाव में बड़े ट्विस्ट और सस्पेंस है। एक तरफा चुनाव तो दूर की बात, क्योंकि दो कदम पर ही वोटर की आवाज बदल रही थी। बहरहाल श्रीनिवास का जनता से संवाद जारी था, चुनाव मुद्दों पर या चेहरे पर। तेजस्वी कह रहे कि हमने इतना रोजगार। ठीक है, तेजस्वी के पापा जब थे तो क्या कर दिए ये बताइए, इतने साल जो उनके पास सत्ता थी तो उन्होंने क्या किया? जंगल राज, आज खुल के बोल रहा है, डर नहीं लग रहा है किसी से, खुल के बोल रहा है। उस टाइम महिला घर से नहीं निकलती थी, ठीक है, कि कैसे बोलेंगे बाप रे ये कर दे। लोगों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी मुद्दा है। नहीं, मोदी मुद्दा नहीं है, मोदी काम कर रहा है, उससे महंगाई क्या, महंगाई देखिए सर, आप बताइए महंगाई है? नहीं कुछ भी नहीं है, विकास मुद्दा है, बहुत विकास हो रहा है। मोदी जी चलेंगे? दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे भाई, इतना काम किए हैं, अरे देश में बेरोजगारी बहुत ऊपर है, बेरोजगारी। अब हम घर में बैठे रहेंगे तो बेरोजगारी होगी। कैमरे के सामने वोटर इतना वोकल है लेकिन चुनाव में पब्लिक का मूड क्या होगा, क्या मूड स्विंग होगा, ये भी नेताओं को समझना चाहिए। बिहार में नीतीश और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी ओर आधा दर्जन राजनीतिक दलों का इंडिया अलायंस है। अररिया में बीजेपी ने अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रदीप कुमार सिंह को फिर से टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार प्रदीप कुमार सिंह ने इसी सीट से आरजेडी के सरफराज आलम को हराया था। क्या इस बार यही नतीजा रिपीट होगा या फिर जनता ने कुछ और ठान लिया है? बताइए तो, अब चुनाव आ गया, क्या करेंगे? अब तो चुनाव आ गया, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? जिसको मन होगा उसको देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे, नहीं देंगे। घुसखोरी हो रहा है? हाँ, घुसखोरी हो रहा है। माहौल तो सब ठीक है, राष्ट्र वैभव पर जाने के लिए अररिया की जनता फिर इस बार तैयार है। कौन चलेगा? भतीजा को लाएंगे। भतीजा को? जी सर। भतीजा मैंने चाचा भाजे नीतीश बाबू के भतीजे को? जी। अरे वो मछली बहुत खाते हैं। मछली नहीं खाते सर, आप लोग डॉक्टर में उड़ते नहीं सर, मीडिया वाले ये लोग ये करते हैं। वोटर के तेवर नेताओं को अच्छी तरह देखने और समझने चाहिए, क्योंकि यही पब्लिक चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली है। वैसे जिस वक्त अररिया में हमारे रिपोर्टर जनता के मूड की टोले रहे थे, उसी दौरान सीमांचल के ही किशनगंज में मोदी मुसलमान वाले एपिसोड में ओवैसी भाईजान की एंट्री हो गई। बिहार का ये वो इलाका है जहां करीब 68% आबादी मुसलमानों की है। अब मोदी ने घुसपैठियों वाला बयान दिया था, ओवैसी ने इसे लपक लिया, फौरन पलटवार कर दिया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ, उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी है। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चुनावी सीजन में इस तरह के बयानों का मतलब यही है कि अब की बार ध्रुवीकरण पर ही आर पार, यानी हिंदू मुसलमान करते जाओ, अपने वोटर जोड़ते जाओ। लेकिन क्या आज का वोटर इस तरह की बातों पर यकीन करता है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव ओवैसी पर पर्दे के पीछे से बीजेपी के फेवर में पोलराइजेशन के इल्जाम लगते रहे हैं। क्या जनता इन बातों को समझ रही है? अभी साहब यहाँ पे बड़े सारे मुसलमान मिले, वो सब मोदी मोदी कर रहे हैं। कुछ अंधभक्ति जो होती है ना, मुसलमानों में भी घुस गई? नहीं, मुसलमानों में घुस नहीं गई, कुछ लोग
मने होते हैं पोस्ट पेड एक प्रीपेड होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं पोस्ट पेड प्रीपेड है। हाँ मैं कहता हूँ राशन बंटवाया मोदी, सुलभ शौचालय मोदी, आवास दिया मोदी, आयुष्मान कार्ड मोदी, सुकन्या योजना मोदी, शक्ति बंधन योजना मोदी, हॉस्पिटल दिया मोदी, फोर लाइन दिया मोदी, सिक्स लाइन दिया मोदी, अमृत रेलवे स्टेशन दिया मोदी, नारी शक्ति बंधन योजना दिया मोदी, सब कुछ तो मोदी दिया। फिर क्या कहते हैं 370 हटाए मोदी, 3 तलाक हटाए मोदी, सीए लाए मोदी, 5 साल रामचंद्र जी टेंट में रहे, आप राज्यसभा का रास्ता सर, मंदिर बनवाए मोदी, राम जी को लाए मोदी। इन्होंने जो ने कहा रेलवे किसने दिया मोदी, 2014 में देश तो आजाद हुआ नहीं था। देश आजाद कब हुआ था 1947 में, उस टाइम भारत को सुई बनाने का नहीं था, उस स्थिति में भुखमरी की स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने उस स्थिति में देश को, देश का प्रधानमंत्री बने, उस स्थिति में देश को संभाला, वेल दिया मोदी। झूठ बोल रहे हैं वो तो आप खुद जानते हैं कौन झूठ कह रहे हैं। मोदी मंदिर बनवाए, मोदी मंदिर बनवाए हैं, मोदी मंदिर बनवाए हैं, या देश का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब बना है। मोदी वाले गाने के काउंटर के तौर पर सवालों के बाण भी इंतजार कर रहे थे। गौर से सुनिएगा, श्रीनिवास ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके तर्क कैमरे में रिकॉर्ड किए और जागरूक वोटर के लिए हर तर्क को सुनना समझना जरूरी है। हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले अररिया को लेकर हमारे संवाददाता श्रीनिवास को एक और दिलचस्प जानकारी पता चली। लोगों ने बताया कि अभी तो सब कैमरे पर बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते जातियों की गोलबंदी होने लगेगी। सवाल, क्या बिहार में जाति पर ही चुनाव होता है? क्या इस बार एनडीए के लिए जाति की दीवार तोड़ना मुश्किल है? क्या मुस्लिम और यादव वाला समीकरण हावी हो जाएगा? मोदी जी के पास तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो वो क्या बोलेंगे? हम मोदी जी के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे? विकास दिए हैं, विकास दिए हैं, विकास दिए हैं। पहले अंधकार था, अंधकार था, शिक्षा है, सब कुछ है, नौकरी की बहार है, नौकरी की बहार नहीं, बरसात है। लालटेन में तेल आप कहाँ दैसे की जरते, लालटेन लालटेन में तेल नहीं है, लालटेनों खत्म, किरासन तेलों खत्म। मोदी जी को वोट महंगाई के नाम पर नहीं पड़ा है, मोदी जी का वोट विश्व के पटल पर खुट्टा गाड़ने का मिला है। ये सारी बातें इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस बार पहले चरण के चुनाव के बाद ये अंदाजा हो गया कि ये चुनाव जितना आसान समझा जा रहा था उतना है नहीं, खासकर बीजेपी के लिए, और इसकी वजह भी है और उन्हें बीते 2 लोकसभा चुनाव के पैटर्न से समझने की जरूरत है। 2014 में बीजेपी ने मोदी को चेहरा बनाया था, तब यूपीए सरकार के 10 साल के शासन वाली एंटी इनकम्बेंसी थी, ऊपर से करप्शन के खिलाफ लोकपाल आंदोलन ने कैटलिस्ट का काम किया। 2019 का चुनाव मोदी के लिए इसलिए आसान बना क्योंकि सामने मजबूत विपक्ष नहीं था। दूसरी बात ये कि तब चुनाव से पहले पुलवामा हमले के जवाब के तौर पर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, राष्ट्रवाद के मुद्दे ने जाति और धर्म की दीवार गिरा दी और नेशन फर्स्ट के माहौल में बीजेपी 300 पार चली गई। सवाल है, अररिया में जाति चलेगी या विकास? वैसे इस जिले का 90% से ज्यादा हिस्सा ग्रामीण है, इसीलिए श्रीनिवास गांव देहात भी पहुंचे। अररिया लोकसभा के मतदाताओं के सियासी मिजाज को समझने के लिए इस वक्त हम अररिया शहर से दूर जौकी हाट इलाके में आ गए हैं और ये जौकी हाट इलाके का ठेंगापुर चौक है और यहाँ से रास्ता अररिया लोकसभा में ही टेढ़ा गाछ पलासी कलईगंज की तरफ जाती है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर इस ठेंगापुर चौक के लोग आने वाले चुनाव में किसे दिखाएंगे ठेंगा और किसकी झोली में डालेंगे जीत। चुनाव आ गया, अब रह गया कुछ ही दिन, क्या माहौल है इलाके में? माहौल तो सर वो तो काम का हमारा तो है नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो दुकानदार आदमी है। मुद्दा तो सबका वही मुद्दा है कि बेरोजगारी है, यहाँ काम धंधा तो कोई खास है नहीं। अक्सर आदमी जितना भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तो यहाँ से अपना प्लान करते हैं दिल्ली की तरफ। प्रचंड बहुमत पर सवार मोदी इस बार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन लगता है प्रचंड मुद्दों की कमी है। ऐसा माना जा रहा है कि लोग पोलिंग बूथ में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें मतदान केंद्र तक जाने की कोई ठोस वजह नहीं मिल रही। हो सकता है इसी वजह से शायद पहले फेज में कम वोटिंग हुई और वोटर जाति में बढ़ता भी नजर आए। सवाल है, अररिया में जाति चलेगी या विकास? वैसे इस जिले का 90% से ज्यादा हिस्सा ग्रामीण है, इसीलिए श्रीनिवास गांव देहात भी पहुंचे। अब यहां एक नया समीकरण था, यानी ग्रामीण बस्ती का वोटर जिधर जाएगा वो कैंडिडेट हैवीवेट बन जाएगा। वैसे इस सीट पर आरजेडी भी 2 बार जीत चुकी है, लेकिन अगर विधानसभा सीटों के नतीजों को देखें तो 6 में से 3 पर बीजेपी की जीत हुई। हालांकि कोरोना के बाद कई लोग वापस लौटा और इनके लिए पलायन अब भी बड़ा मुद्दा है। बताइए
बताइए आपका मुद्दा क्या है, विकास, रोजगार, महंगाई? बोले ना, विकास तो हुआ ही नहीं है तो क्या बोलेंगे हम? रोजगार, रोजगार, रोजगार भी नहीं है, रोजगार तो हम सब खुद है, यहाँ से बाहर चले गए। कहाँ चले गए? और कहाँ, केरला की तरफ कर रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।